हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के सूचना पर प्रसारण मंत्री व युवा सेवा एवं खेल मंत्री बनने पर हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भरत साहनी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाए जाने पर हिमाचल के सभी खिलाड़ी बेहद उत्साहित और खुश हैं। भरत ने कहा कि अनुराग ठाकुर प्रदेश में सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने हैं, जो समूचे हिमाचल के लिए गर्व की बात है। उन्होंने ये मुकाम हासिल कर देश की राजनीति में अपना स्थान तो ऊंचा किया ही, साथ ही देवभूमि का भी कद बढ़ाया है। भरत साहनी ने इस मौके पर कहा कि अनुराग ठाकुर दो दो मंत्रालय एक साथ संभालेंगे, जो कि बेहद हर्ष का विषय है। उन्होंने आशा की है कि स्वतंत्र प्रभाव मिलने से वे पहले से और बेहतर काम करेंगे और हिमाचल का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाएंगे। हर्ष की बात है, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हमीरपुर से तीसरी बार बने ही, पर इससे पहले उनके पास MOS फाइनेंस था। अब मोदी जी ने इनकी प्रमोशन कर करके इनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक का दिया है, वह एक हर्ष का विषय है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश का केंद्र के अंदर कद बढ़ना और अनुराग ठाकुर जी का कद बढ़ना एक ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और जिस तरह से अनुराग जी मेहनत करते हैं और जिस तरह से विजनरी विज़न को लेकर के चलते हैं और विजनरी इंसान हैं, मुझे लगता है इस जो मिनिस्ट्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको सौंपी, उसमें भी वह दिन रात जैसे पहले पूर्व में वह दूसरे मंत्रालय में काम करते आए हैं, मुझे लगता है स्वतंत्र प्रभार के साथ काम करने में और ज़्यादा अच्छा काम वो कर पाएंगे। और वह मुझे लगता है कि मोदी जी को जो भी उनकी डिमांड्स होगी उसको पूरा कर पाएंगे।